कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले से 1.80 करोड़ रुपए बरामद किए गए। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी की रैली के पास से रात 12 बजे बरामद हुए ये 1.80 रुपए वहां से बरामद हुए हैं, जबकि सुबह वहां रैली थी। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के एक वीडियो भी जारी किया है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।